चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ने जा रहे हैं वास्तु कला और मूर्ति कला में अंतर। तो वास्तु कला और मूर्ति कला में क्या बेसिक अंतर होते हैं ये आज हम देखेंगे। तो वास्तु कला में क्या भवनों का निर्माण किया जाएगा, जबकि मूर्ति कला में आपको इसमें समझ में आ रहा है मूर्ति कला में क्या होता है, मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। अब चूंकि मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा तो ये त्रिआयामी हो सकती है, लेकिन अब इसमें जो मूर्ति कला का निर्माण है तो मूर्ति निर्माण में केवल एक ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन आपके वास्तुकला में विभिन्न प्रकार के जैसे कांच, लकड़ी, पत्थर, इन सब का प्रयोग किया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण है कहा जाए तो ताजमहल और लाल किला के वास्तुकला के उदाहरण है। वही बात की जाए आपके मूर्ति कला की तो मूर्ति कला में आपके नटराज की, नर्तकी की मिल जाएगी ये मूर्तियां। जो मूर्ति बनते किससे है, मूर्ति कला संबंधित है। ये त्रिआयामी किसी भी रूप में आकृति बनाई जा सकती है। इसमें आपको गणित और अभियांत्रिकी का ज्ञान होना आवश्यक है वास्तुकला में, जबकि आपको मूर्ति कला में त्रिआयामी के लिए आपको भावनाएं तथा रचनात्मक रूप कैसे भी बना सकते हो। इस तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।